तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के दिन की शुरुआत हो रही घर से, और मेरे घर पे आ रखे हैं इन्हीं के सब्सक्राइबर। नाम बताओ चलो अपना अपना। मेरा नाम निखिल कुमार है। मेरा नाम कृष्ण कश्यप। मेरा नाम साक्षी कुमारी है। ये हमारी साक्षी बहन। साक्षी बोला? हाँ साक्षी। आपका? मेरा नाम रिमझिम है। ये रिमझिम दीदी हैं। तो गाइस, मुझसे मिलने आई हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे भी अब घर पे आते हैं और बड़े भी आते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और ये सुबह सुबह आ गए, और ये कह रहे हैं पहले भी आए थे लेकिन आप घर पे थे नहीं, सुबह चले गए। तो मैंने इनके लिए चॉकलेट और डस्सा को बाहर भेजा अभी। और ये बच्चे बड़े प्यारे हैं भाई। कुछ बोलो, कुछ बोल दो। आप वीडियो देखते हो हमारी? हाँ। अच्छा, और बहुत अच्छा वाला है। अच्छा, हमने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी है। वेरी गुड। और आप? थैंक यू। तो गाइस, ये हमारे फैन हैं और मैं चाहता हूँ ऐसी फैन घर पे आते रहें। और आप लोग इतनी मेरी मदद करो, बोलो तो सपोर्ट करो, प्यार करो बहुत ज़्यादा, मुझे खूब ज़्यादा वायरल कर दो कि मैं किसी की मदद कर सकूं। और मैं सारी वीडियो में बोलता भी हूं कि गाइस मुझे इस लाइक बना दो कि मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करूं और मैं बहुत आगे बढूं। और फिलहाल आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये छोटे छोटे बच्चे आए घर पर, और ये देखिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं बार बार इनको दिखा रहा हूं। बाकी दो भाई तो पहले आ रखे हैं, ये वाले भैया हैं, और आप भी आ रखे हो लेकिन ये नए आए हैं। और क्या कहते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हो बताओ? अच्छा, और आप कौन सी क्लास में हो? वन में। और आप? थर्ड। अच्छा, ये तीन में, एक में, और आप? तीन में। और आप? सिक्स। छः में। अच्छा, आप तो पहले भी आ रखे हो ना? हाँ, आप तो पहले। अच्छा, पहले आप आए, फिर आपने इनसे कहा, फिर ये आए, फिर ये कहेंगे किसी और से वो आएंगे, फिर वो आएंगे। हाँ, ये तो आए थे उस दिन। अच्छा, आपके पापा मम्मी वीडियो देखते हैं। अच्छा, अपने पापा को राम राम बोलना और मम्मी को राम राम बोलना मेरा, ठीक है? और अंकल आंटी कभी आएंगे तो बड़ा बड़ा पुण्य का काम होगा मेरा, बड़ा धन होगा, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी देखो, डस्सा आपके लिए फ्रूटी ले आया है। तो गाइस, डस्सा लाया है चॉकलेट। थैंक यू। ओके मेरे बच्चे, ये फ्रूटी पीलो पीलो पीलो। बाकी अभी और देता हूँ गिफ्ट। तो गाइस, बाहर से चॉकलेट और फ्रूटी मैंने मंगाई है डस्सा से। डस्सा ने दे दी इन बच्चों को, और बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा, कुछ कह नहीं सकता। बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे आज। ठीक है, चलो अच्छी बात है, हल्की हल्की कामयाबी हो रही है। बाकी मेरी सारी वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस, बीच में कमेंट आ रहे थे, तो क्या बोले, तो बच्चे कह रहे हैं कि आप पैसे भी देते हो। तो प्लीज़ यार, आप लोग ये ना समझें कि मैं पैसे देता हूँ दिखावे के लिए। मैं पैसे इसलिए देता हूँ कि बच्चों के काम आएंगे। बोले तो पेन ले लेंगे, कॉपी ले लेंगे, या फिर चॉकलेट ले लेंगे, टॉफ़ी वगैरह। अब जैसे कुछ लोगों के सवाल होते हैं ना, जैसा दिमाग वैसी बातें करता है इंसान। तो कोई कहता है कि यार तुम पैसे बांट रहे हो, दिखावा कर रहे हो, तो दिखावा कुछ नहीं है। यह बच्चों से प्यार है ना, हर कोई चाहता है दो पैसे मिले, यानी भैया से मिले। तो इन बच्चे आए, मुझे अच्छा लगा, यानी जितनी खुशी इनको है उससे कहीं ज़्यादा मुझे खुशी है कि मेरे घर पर कोई आ रहा है। हाँ, मैं जाता था किसी से मिलने और आज ये लोग आ रहे हैं। तो फिलहाल इतना बड़ा तो हूँ नहीं मैं, अगर बड़ा भी बन जाऊँगा तो मेरा नेचर यही रहेगा। मैं कितना भी बड़ा बन जाऊँ, आई प्रॉमिस यू, ये ब्लॉग आप सेव भी कर लेना, कितना भी बड़ा बन जाऊँ लेकिन यही है नहीं, और बोलते तो यही लैंग्वेज रहेगी और यही शक्ल रहेगी, यही सब कुछ रहेगा। बस ईश्वर की कृपा और आपके प्यार होना चाहिए। बाकी बीच में कमेंट आ रहे थे कि रवि भाई ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो। फिलहाल अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। अगर मैं बहुत कुछ आगे बढ़ा तो बहुत कुछ करने वाला हूँ मैं, वो करने वाला हूँ आज तक किसी ने किया भी नहीं होगा अपने सब्सक्राइबर के लिए, वो करने वाला हूँ। पहले तो गाड़ी ठीक होती है तो गाड़ी पे, और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं सबके नाम लिखाऊंगा, वो बड़े बड़े नाम लिखाऊंगा, बड़े छोटे से आप सबके भी नाम लिखाऊंगा। हाँ, इंग्लिश में क्या, हिंदी में, और हिंदी में इसे लिखाऊंगा कि कोई पढ़ ले, ठीक है? इंग्लिश जैसे हर किसी को नहीं आती, फिलहाल तो आजकल सभी जानते हैं इंग्लिश, लेकिन ऐसा करेंगे कि सबका नाम हिंदी में लिख देंगे लाइन से, है ना? और एनी बोल दो गाड़ी के गेट पे और गाड़ी की छत पे, बुलेट पे, है ना? तो हाँ, लोग देखेंगे तो लोग कहेंगे है कि भैया ने, हाँ, कि भैया ने नाम लिखा। और आज तक फिलहाल किसी ने किया नहीं है सब, और फिलहाल किया भी होगा तो अच्छी बात है, लेकिन उनसे ही है नहीं, और देख के सीखने को मिलता है। और बाकी बस यही लाइफ हो, कुछ नहीं, मिलो जुलो बड़े करो, ठीक है? और पढ़ाई करो दिल से, और मम्मी पापा का ध्यान रखो, ठीक है? और इसे ही रखो, डस्सा सीख लेना, ठीक है? और रात में कहीं, और रात में कहीं मत जाया करो, ठीक है? दिन में जाया करो, हाँ, रात में पढ़ाई करो, खाना खाओ, सो जाओ, और सुबह सो जाओ। बाकी मम्मी पापा का ध्यान रखना है। 6 बजे तक खेलते भी ट्यूशन जाके, ट्यूशन से आते सारे 4 बजे, 5 फिर 5 बजे खेलने चल जाते हैं, फिर हम 6 बजे आ जाते हैं।
क्योंकि आजकल का माहौल थोड़ा खराब हो रहा है ना। हाँ तो रात को मत जाएगा कहीं भी, पर आपसे भी कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ। नहीं आती मैगी? मेरे को आती मैगी बनाना। और इसे इसको मैगी नहीं आती, सब्जी मैगी आती है पता है। पहले मैगी को पानी में डाल के, पहले पानी गर्म करके मैगी को पानी में डाल के, फिर मसाला डाल के मैगी वाला, फिर उसमें हल्दी डाल के, फिर थोड़ा मिर्चा रखना है तो मिर्चा डाल दो, अगर प्याज रखना है तो प्याज भी डाल दो, अगर नमक भी डाल दो। गाइस गाइस आ चुका है विवेक, ये हमारे सब्सक्राइबर आ चुके हैं, 1, 2, 3, 4 ना ना, ये दो तो पहले आ चुके हैं और ये इनकी सिस्टर है, इनकी फ्रेंड है, तो हमने इनको चॉकलेट और एप्पी पिला दी, बाकी 50-50 रुपये दे दिए। और मैंने बोल भी दिया गाइस कि आप लोगों को लगता है दिखावा कर रहा हूँ, दिखावा ना समझे, इन बच्चों को देता हूँ कि क्योंकि परेशानी बहुत देखी है। तो कभी मैं भी बच्चा था, मुझे तो और 5 का सिक्का आए नहीं, और 5 रुपये मिलते थे, पापा 5 रुपये देते थे, क्योंकि गरीबी ज़्यादा थी तो 5 रुपये देते थे आए नहीं। लेकिन इस टाइम तो फिलहाल सही है माहौल, दाल लोड़ी चल रही है और आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। बाकी ये इनकी सिस्टर हैं और ये इनकी फ्रेंड हैं और ये इनका फ्रेंड होंगे। वेरी गुड। ये कहते रात को आ रहे थे तो मैंने कहा रात को कहीं जाते नहीं है, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिम जिम। और आपका? साक्षी कुमारी। ये तो बढ़िया है। अब ये वीडियो आपकी बन गई, ठीक है। अब ये ब्लॉग कल आएगा तो कल आप देखना और अपने फ्रेंडों को दिखाना कि भैया के घर गए, भैया मिले और हमने बहुत सारी बातें करी भैया से, है ना। और बताओ और कुछ? अब सीधे यहाँ घर जाना और रोड के किनारे जाना, ठीक है। रोड पे मत चलना, गाड़ी वाले चलते ना, बस चलती है। हरी हरी टेम्पू जाएंगे, वाह। हाँ इसलिए जाना साइड से, ठीक है। बाय 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 बाय, ठीक है। ध्यान बाय बाय ध्यान रखना अपना, है बाय। और जाना जीने पर, आराम से पैर ना फिसले। तो फाइनली गाइस सब्सक्राइबर चले गए हैं, 10 मिनट बैठे उनसे बातें करी, बहुत अच्छा लगा यार। छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत सारी बातें बता रहे थे और कुछ बातें मैं नोट भी नहीं कर पाया, बहुत बोले तो समझदार वाली बातें कर दो। और बाकी विवेक आ गया घर से अभी, अब देखते हैं प्लान क्या बनता है। फिलहाल दीपक अभी आया नहीं है, पता नहीं कहाँ है, अभी फोन करता हूँ। तो सो गाइस आज का प्लान हमारा है मटन खाने का, फिलहाल तो वो चल रहे हैं, क्या बोलते हैं, सराज चल रहे हैं। लोग कहते हैं सराज में नहीं खाना चाहिए, पहली बार तो नॉन वेज खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन गाइस क्या करें, घर में फैमिली में कोई है नहीं तो मजबूरी में बाहर ही खाना पड़ता है। सिर्फ मंगलवार को छोड़ता हूँ मैं, बाकी मैं हर दिन खा लेता हूँ। अगर किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे, मेरी गलती, इसमें कुछ नहीं है बिल्कुल। तो सुबह से बाहर का ही खाना खाया तो बाहर का ही मुँह लग गया है। दीपक अभी आ रहा है और राजू भाई से मटन का ला लिया है, डम्मा डोमा, तो यहाँ से जाएंगे सीधे डम्मा डोमा, वहाँ से मटन लेंगे, वहाँ से फिर ऊपर जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं, अपने हाथ से बना सकते हैं या फिर किसी से बनवाएंगे। फिलहाल आज चलेंगे थोड़ी तरफ बाहर, बढ़िया सा व्यू दिखाएंगे, हवा दिखाएंगे भाई, कुछ वीडियो बनाएंगे, रील्स वील्स वो शूट करूँगा। तो आप कंटिन्यू मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, बिल्कुल वीडियो आगे बढ़ा के नहीं देखनी, पूरी देखनी मिनट सेकेंड, एक एक मिनट आपका इतना कीमती है मेरे लिए, कुछ बता नहीं सकता। देखिए गाइस इसने आज कपड़े नहीं पहने, बच्चों की साइकिल खराब हो गई। तू क्या कर रहा साइकिल पे? तेरे पास कपड़े नहीं है? जल्दी बता, पूछ रहा है तू? आओ गाइस, हो गए हैं चलने के लिए रेडी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज का, बिल्कुल कोई धूप नहीं है, बिल्कुल देखिए बाहर, और बादल छाए हुए हैं हल्के हल्के और बारिश भी हो सकती है आज। मैं जा रहा हूँ इस स्कूटी से और डस्सा जा रहा है एनएस से, ये एनएस हमारे भाई चौड़े की है, दीपक भी आने वाला होगा। क्या हो गया तेरी साइकिल में? तेरी साइकिल में क्या हो गया? चेन खराब हो गई है। जब तू पूरे दिन चलाएगा तो चैन ही तो उतरेगी, और तूने कपड़े भी नहीं पहने। तो देख के देखो किसके कपड़े थे, चश्मा साफ कर रहा है, तोड़ मत देना उसकी साइकिल। कहाँ भाग रहा है, बोलना। हाँ बोल बोल, जो अभी आपने करा, हेलो ऐसे करके। हेलो गाइस नमस्कार, जबरा भाई तो आप कैसे हो? बढ़िया, बताओ। आपका चैनल बहुत ही अच्छा चैनल है, हम आपके डेली व्लॉग्स देखते हैं। थैंक यू। और बताओ और कुछ कह रहे थे अभी? और कुछ कह रहे थे अभी? तो हमारे भैया गए अभी chowmin.com गए के। नहीं कुछ कह रहे थे। तो ये सुनो, हमारे पीछे हमारे मेरा भाई है पीजे वंश गुप्ता, प्लीज उसको भी फोकस करिए आप।
अरे रैंडम ये बताओ बताओ बता ला बता बता कुछ कर अरे बोलो कुछ कह रहे थे ये कह रहा था कि 100 रुपए हमें भी दो तो हम भी सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे आपके ठीक है 100 रुपए आपको शाम को मिल जाएंगे ठीक है बहुत कर रहा बोला आपने तो गाइस निकल गए हैं गली में अपनी कॉलोनी में देखिए सामने विवेक ये पूरी कॉलोनी है अपनी बोले तो TRB स्कूल दुर्गा कॉलोनी आज घूम जाएगी ये गाड़ी आज घूम जाएगी नमस्ते आंटी तो गाइस अंकल से तो गाड़ी नहीं घूम रही थी रोड का नजारा देखिए वाओ तो सो गाइस दस्ता का पता नहीं कहाँ चला गया हम दोनों भाई को छोड़ के विवेक को लाया था और मैं अपनी स्कूटी से आया था उसका पता नहीं कहाँ है भाग गया यार मुझे यार वो और मैंने उससे कहा था कि दीपक कहाँ है और उसको लगा कि दीपक घर पे आ गया है अब उसको पता नहीं कहाँ है सुअर की औलाद कहाँ गया भैया बता दो सुअर की औलाद अब इंसान की औलाद है यार अभी पता नहीं कहाँ निकल गया यार गाड़ी ले गया पता ही नहीं पूरा रोड खाली है इस टाइम बड़ी रोड पे हम बैठे हुए हैं गाइस हमें लग रहा है कि हमें टेम्पो से जाना पड़ेगा अब गाड़ियाँ बहुत है टेंशन मत ले स्कूटी बहुत है अगर कोई व्यक्ति अगर छोड़ता है बैग पे पहले बैठा के लाइफ छोड़ दे कैसा लगता है कुछ बताओ ये आ गया देखो आ गया लेडी लग रही है कितना लग रहा कहाँ गए थे भाई साहब कहाँ गए थे फोन लेने फोन भूल गया भुलक्कड़ है ATM से पैसे निकाले थोड़े यार खर्चे के लिए पैसे नहीं थे तो मैं इस टाइम हूँ मंडी गेट मेरे पीछे विवेक और डस्सा की जनता मुझे पहचानती हुई बहुत अच्छा लगता है गाइस मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे बहुत आगे बढ़ूँ अपने बड़े भाई लोगों के प्यार से मदद से सपोर्ट से और आप ऐसे प्यार दिखाते रहिए वीडियो पे बहुत अच्छा लगता है और इस टाइम मैं हूँ समा के पास और तेल गाड़ी में डस्ता खत्म हो गया तो गाइस यहाँ बढ़वाएंगे फ्यूल पूरा स्टाफ खड़ा हुआ है चलो भाई गाड़ी में तेल डाल दियो अपने भाई हैं सारे भाई ये भाई ऐसे कभी पैसे नहीं हो तेल फ्री पड़ जाता है भले बाद में खा पी के गाली बक देते हैं ये लोग कोई बात नहीं तो तेल पड़ेगा अभी हेलो 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 भाई हेलो हेलो एवरीवन कितने का बना रहा तेल 100 रुपये का तेल डाल दो और ये विवेक छेड़ रहा केकड़ा को केकड़ा नहीं कछुआ कछुआ ये कछुआ है तो भाई देखिए काई काई बन गई काई जम गई है इसके ऊपर इतनी प्यारी प्यारी मछली कछुए की सफाई नहीं कछुए की सफाई नहीं करते हैं कुछ बताना चाहेंगे आप इसके बारे में पानी साफ रखो और ठंडा रखो ठंडा नहीं मतलब पानी नॉर्मल रखो कितना प्यारा लग रहा है देखिएगा इस कछुआ क्या डस्सा पड़ा रहा है 100 रुपए का तेल 100 रुपए का लो डिग्गी में 100 रुपए में इसके मुंह में डाल दो और भाई लोगों को बढ़िया मेरे दोस्त बहुत बढ़िया भाई कह रहा है भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो क्या बोलती है हल्द्वानी की पब्लिक कर रहा आओ तो गाइस ये हैं उत्तराखंड के सबसे ज्यादा स्मार्ट आदमी और मेरे भाऊजी मैं इनका रोज पैर छू के आशीर्वाद लेता हूँ बाकी इनकी पूरी टीम बैठी है थोड़ा काम था भाऊजी से काम निपटाया सीधी सौरभ होटल दे हैप्पी बर्थडे तो गाइस मिल चुके हैं हमारे राज भाई से मिलेंगे क्या हाल है बढ़िया बढ़िया आओ चलो ऊपर आओ मटन लेके जा रहे हैं कहाँ श्राद्ध है आज अब दीदी के वहाँ जाना है अच्छा अच्छा श्राद्ध है हाँ चलो बढ़िया फिर वो कहाँ हैं वो लोग दोनों श्राद्ध में बिल्कुल खाते पीते नहीं हो ना बढ़िया ना शराब तो हमारे यहाँ भी नहीं खाते लेकिन क्या करें अब शुरू से बाहर का खाना मुंह लग गया है होटल वोटल पर खाना होता है तो मजबूरी है खाना यार चाहिए ले लो रख लो ना अच्छा लगेगा वैसे
और दोनों बच्चे ठीक हैं? भाभी मम्मी पापा सब बढ़िया? चलो फिर का उनका तो चला चल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है फिर, ठीक है चलते फिर। चलाओ भाई फिर अगले महीने। ओ हां पक्का बता देना, मुझे बता देना। तो गाइस यार एक बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। प्रॉब्लम ये हुई कि जो दस्ता भाई लोग आ रहे थे ना, उनकी गाड़ी हो गई है ख़राब। तो अब हो चुके हैं वो पैदल, अभी वहीं जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं क्या सीन बनता है। गाइस पहुंच गए हैं हैडल के पास, पीछे आ रहा दीपक। और दस्ता को लाए थे तो दस्ता की गाड़ी हो गई ख़राब। बोले तो कार्बेटर में कुछ कचरा आ गया था ना भाई। कार्बेटर ख़राब है उसका, तो पंचक्की डम्बर डूंगा मैंने उसको रिटर्न वापस भेज दिया है। अगर आएगा तो स्कूटी से आ जाएगा, नहीं आएगा तो हम तीन ही हैं फिलहाल। और इस टाइम है सी स्मेल पे। तो गाइस राजू भाई से मटन ले लिया हमने, 1 किलो 250 ग्राम, 3 लोग हैं। बाकी चलते हैं बनवाते हैं दिखाते हैं। और कोई वीडियो सोचिए बहुत बढ़िया थी, वो बनाते हैं अभी चल के। तो गाइस पहुंच गए रॉकन साइड, ऊपर को जा रहे थे। विवेक के मन में एक आइडिया आया है, विवेक बैठेगा घोड़े पे। अरे यार भाई अभी कोशिश करूंगा ना बैठने की, कोशिश जारी रहेगी। और हमें मिल गए हमारे गांव के दो आदमी, दो सब्सक्राइबर। हम जा रहे हैं मटन वटन लेके ऊपर बनाने बढ़िया करके। दीपक यार डस्सा भी आ जाएगा। तो अब विवेक कुछ कर रहा है इंतजाम में, घोड़े पे बैठने की कोशिश करेगा। ब्लॉग में मैं लूँगा। तो गाइस विवेक कोशिश कर रहा है घोड़े पे बैठने की, लेकिन घोड़े पता नहीं कब बैठेगा घोड़े पे। गाना फट रही है ऐसी लग जाए ऊपर कान पीछे को कोई समझ लो। कोशिश जा रही है विवेक की, पहले पत्ते खिला के भी चढ़ेगा, लेकिन हो सकता है चढ़ जाए, लेकिन लात बहुत तेज मारते हैं। और मौसम बहुत तगड़ा हो रहा है, मौसम हो रहा है मौसम। चलो फिर आओ। अच्छा आ जा, रहने मत कर परेशान यार, घोड़े की तरह भाग रहा है गाइस। पहले प्यार से मुकरना पड़ता है ना भाई बैठने के लिए। तो सो गाइस चलते हैं यार, जहाँ जाना है हमें लोकेशन पे अपने। चलो चलो देख सकते हैं बादल की लोकेशन कैसी है, बारिश के बादल है, बिल्कुल बारिश हो सकती है। थोड़ा तो बैठा लेता हूँ। पहले घोड़े को प्यार करा जाता है ना यार, उसको अपना बनाया जाता है, अपना बना के चढ़ाई होती है गुरु, बताइए तुम्हें। चलो गाइस चलते हैं मन भैया खेलने में। गाइस आज तक करते हैं मैं निकल चुका हूँ अपनी टीम के साथ पहाड़ों के बीच में। बारिश भी हो सकती है, बर्फबारी भी हो सकती है, पत्थरबारी भी हो सकती है, और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है और गड्ढा सामने, रोड गिर गया है दो बार में मछलियाँ गिरने से। थारे खड़ी थारे 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 नीला वाले अधिक के मेरे पैर मत लगा। क्यों लग गया पैर में भाई? बाड़ी बैठी है। तो गाइस पहुंच गए बिल्ली भी, ये देखिए हाय बिल्ली, हेलो बिल्ली, बिल्ली म्याऊ, बिल्ली बिल्ली मौसी भी है काटे ना। तो गाइस फिलहाल हमने खाना ना खा लिया से, तो वापस से चल रहे नीचे को। आपको पता है गाइस मैं तो खाने पीने का शौकीन हूँ, और पेट भर के खाया है और दबा के खाया है, और मटन में मजा आ चुका है। बड़ा प्यारा मटन बना रखा था भाई, बढ़िया। आई एम सैड, आई एम सैड।
बहुत अच्छा खाना था, मज़ा आ गया। यहाँ से निकलते सीधे हल्द्वानी की तरफ, बाकी रील्स वील्स बनाएंगे अभी कुछ देखते हैं।